So hello guys, Explorer Rider here. Today I made video for that accessories part of my car. So accessories part करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप गाड़ी में accessories लगाना चाहते हो तो जो जो ज़रूरत का ही मतलब आपको लगे वो चीज़ ही लगाना, नहीं तो एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा. एंड मतलब शोरूम वाले लोग गाड़ी से जितना भी बस पैसा कमाना चाहता है मतलब उससे ज़्यादा तो एक्सेसरीज में ही कमा लेता है. सो जो ज़रूरत का सामान है वही लगाना. सो मैंने ऑलमोस्ट लगाया हुआ है 26,000 का, मतलब मेरा बिल हुआ था 28,000 लगभग, तो डिस्काउंट करके 26,000 किया था. सो मैंने फर्स्ट लगाया हुआ है ये फ्रंट सीट प्लेट एंड मैंने फ्रंट एंड रियर ऑल्सो लगाया. ये दोनों मुझको कॉस्टिंग पड़ा था 6,000. मैंने बिल दे दूंगा, मेरा मतलब जो प्राइस हुआ है प्राइस ब्रेकअप. फ्रंट एंड रियर स्किट प्लेट, टेल गेट क्रोम, ठीक है, ये 1300 का पड़ा था. ये एक है मतलब रिफ्लेक्टर, मतलब ये रिफ्लेक्टर पहले से आता है कंपनी फिटेड, ये अलग से मतलब ये क्रोम दोनों साइड में है. 700 rupees ऐसे कुछ हुआ था. ये डोर वाइज़र, ठीक है, इसका लाइक 1500 समथिंग आया था. मेरा अभी मतलब पूरा याद नहीं है कितना क्या प्राइस है, मैं वो बिल जो है मैं दे दूँगा. इसके बाद है रूफ रेल लगाया हुआ है मैंने, इसका 5000 के ऊपर ही पड़ा था दोनों साइड का, देख लीजिए. एंड मार्ट फ्लैप, ये जो है मार्ट फ्लैप आपको लगाना चाहिए क्योंकि देखिए यहाँ पर से जो बम्पर है यहाँ से मतलब ऐसे जाता है तो टायर दिख, तो मार्ट फ्लैप आपको लगाना ही चाहिए क्योंकि बम्पर ऐसे जाता है ना, तो टायर बाहर से मतलब पीछे से आप देखोगे तो टायर थोड़ा सा दिख जाएगा, तो ऐसे मतलब लुक्स के लिए ये आप लगा सकते हो मार्ट फ्लैप. एंड उसके बाद मैंने लगाया ये 7D फ्लोर मैट, एक मिनट, ये देखिए 5 लिखा हुआ है पूरा ऐसे ऐसे 4 सेट में है. ये देख लीजिए, दिख नहीं रहा है आपको, ये जो है मतलब YY शेप का ये पूरा आता है 70 में. एंड मैंने सीट कवर नहीं लगाया क्योंकि ये जो प्लास्टिक का फील होता है ना नया गाड़ी में, इसके लिए एक दो साल के बाद लगाऊंगा. इसके लिए ही मैंने ये स्टीयरिंग पे भी कुछ रैप नहीं किया, ये एक मतलब फ्लिपकार्ट से लिया है नॉर्मल स्टीयरिंग कवर फॉर बेटर ग्रिप. सो तो ये और एक बात, मैं ये कप प्लेट भी लगाया हुआ है, ये देखिए ये 1300 रुपये का पड़ा था, 4 सेट है इधर भी और इधर भी, पीछे में थोड़ा छोटा है सामने में थोड़ा सा बड़ा, तो उस साइड पे भी ऐसे ही है सेम. सो ये कप प्लेट है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने फॉगलैम भी लगाया हुआ है. एडवेंचर में फॉगलैम नहीं आता है, सो फॉगलैम मैं शोरूम से भी मतलब शोरूम से ही लगाया. इसका 4500 कुछ पड़ा था, ये मैं बाहर से लगा सकता था 2500 अराउंड लग जाता था, लेकिन मैं शोरूम से ही लगाया क्योंकि मतलब वारंटी का कुछ इश्यू अगर हो तो, इसलिए ये टाटा का जेन्युइन एक्सेसरीज में नहीं आता है, मतलब टाटा वाले अभी ये फॉगलैम ऑफर नहीं कर रहा है क्योंकि अगर फॉगलैम भी ऑफर कर देगा तो कोई क्यों ऊपर का मॉडल लेगा ना, इसलिए ये जो है ये लुमिक्स का है शायद वो बोला था उस टाइम पे. सो मैंने जो बिल दूंगा ना उस पर आप देखेंगे ये फॉगलैम का कुछ पार्ट नंबर नहीं होगा, तो अगर कोई शोरूम वाले बोलेगा कि ये मतलब जेन्युइन एक्सेसरीज में आता है तो ये जेन्युइन एक्सेसरीज नहीं है, ठीक है. जेन्युइन एक्सेसरीज में जो चीज़ आएगा उसका पार्ट नंबर होगा, मैंने तो जो बिल दूंगा वहाँ पर आप देख लेना. सो यही है एक्सेसरीज पार्ट ऑफ दिस कार, बोला मैंने ये ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड का ही बिल आया था मुझको ये सब कुछ लगा है. एक्सेसरीज का ऐसे है कि एक्सेसरीज का जो बिल होता है ना वहाँ पर 5% इंस्टॉलेशन चार्ज वो लोग लेता है. सो मतलब एक जो मतलब वो शोरूम वाले एक प्राइस देगा उसके ऊपर 5% एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब ये फॉग लैम्प सीट कवर अगर जो चीज़ भी आप लगा दो तो उसमें 5% एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन चार्ज लगेगा.
500 वहाँ पर से भी कुछ डिस्काउंट विस्काउंट करके वो देता है, तो मेरा तो हुआ था 27,000 समथिंग, वो डिस्काउंट करके 26 में पूरा फाइनल हुआ था। सो यही है एक्सेसरीज का पार्ट। ओके, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।